दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। सरकारी निजी संविदा अथवा ऑनलाइन काम के दरमियान मृत्यु होने पर एक समावेशी और मानवता के तहत भेदभाव को समाप्त करते हुए मैं सरकार से समान मुआवजा का प्रावधान करने की मांग करता हूँ। सुश्री श्रेयसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, वैसे उपभोक्ताओं के बिल का एक मुश्त निपटारा के लिए कुल बकाया राशि में से ब्याज की राशि माफ कर बकाया बिल की निपटारा करने की छूट देने की मांग सरकार से करती हूं। श्री जय प्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत में इंडोर नेपाल रोड के पास बांध पर से काली मंदिर होते उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय महेशपट्टी तक जाने वाली सड़क के पक्कीकरण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री अच्युत ऋषिदेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत छतियोना में वार्ड नंबर 9 ग्राम रही में जहीर के घर से महादली टोला वार्ड नंबर 11 होते हुए NH 327 पर पूजा पंप छतियोना तक 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, छठे चरण में बहाल प्राथमिक शिक्षकों की बीएड डिग्री को पटना उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य करने से 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। सरकार से इनकी नौकरी बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने अथवा अध्यादेश लाकर कक्षा 6 से 8 में प्रमोट करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में बंद बाजार समितियों को फिर से चालू कराने, वर्षा पर आधारित जहानाबाद, नालंदा, नवादा तथा गया जिला में सिंचाई का मुकम्मल व्यवस्था करने तक किसानों को मुफ्त बिजली देने तथा कर्जा माफ करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत पूरी बात सुनो भैया और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। माननीय श्री विजय कुमार खेमका की सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA में भारत सरकार द्वारा ज्येष्ठ रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत स्वयं सेवा संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से मई 2016 से देश के 25 राज्यों के 30 अति बाढ़ प्रबंध जिलों में 200 स्वयं सेवक प्रति जिला के आधार पर कुल 6,000 आपदा मित्र कम्युनिटी वॉलेंटियर के प्रशिक्षण से संबंधित योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम बिहार राज्य के 2 जिलों यथा सीतामढ़ी और सुपौल को शामिल किया गया था। इस योजना की समाप्ति दिनांक 31/12/20 को हो गई। योजना की सफलता को देखते हुए देश के 50 जिलों में कुल 1,00,000 आपदा मित्र को ट्रेनिंग किए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया। इन 350 जिलों में बिहार के 24 जिलों को शामिल किया गया है, यथा अररिया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्व में इस योजना के अवधि दिनांक 6/8/21 से मार्च 23 तक निर्धारित है। इसे दिनांक 31/24 तक विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में कुल 9,600 आपदा मित्रों के ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया है। आपदा मित्रों का ट्रेनिंग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिससे विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु स्वयं सेवा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों को जागरूक करने हेतु आपदा मित्रों को ट्रेनिंग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आपदा मित्रों के लिए निश्चित मानदेय तय करने अथवा इनके स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर भी आपदा मित्रों को निश्चित मानदेय निर्धारण अथवा स्थायी नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विजय जी महोदय, इतना विस्तार से उत्तर दिया माननीय मंत्री जी, उत्तर माननीय मंत्री जी का विस्तार से आया है और भारत सरकार की योजना है और ये सब रिलीफ फोर्स हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में समाज में सेवा करने का काम करते हैं और इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है 12 दिन का, उसका भी जो इनका राशि है। एक तो मैं अपने पूरक में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो उनकी बकाया राशि है वो कब तक उनको भुगतान हो जाएगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इनकी राशि, इनकी जो सेवा है, जो सेवा है, तो इनकी दैनिक मजदूरी है या मंथली मजदूरी है, इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 400 से 1200 रुपया तक का इनका निर्धारण किया गया है, तो हम मंत्री जी से पूछना चाहेंगे, एक तो इनका स्पष्टीकरण हो जाए और दूसरा क्या 400 की जगह 1200 रुपया इनका जो राशि देने का है वो भुगतान करने का विचार विभाग रखती है। माननीय मंत्री महोदय, पूरे मामले की समीक्षा कराकर महोदय निश्चित तौर पर जो प्रावधान होगा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आग्रह निवेदन के साथ एक चीज हम पूरक के रूप में पूछना चाहेंगे कि जो इनका बकाया बकाया अंतिम अध्यक्ष महोदय, इनका जो बकाया राशि है चाहे वो ट्रेनिंग का हो और चाहे जो ये काम किए हैं पूरे बिहार में, तो उनका वो कब तक उनका भुगतान हो जाएगा? महोदय एक सप्ताह के अंदर महोदय सारी बातों का समीक्षा करके समाधान किया जाएगा, जिस बकाया होगा प्रावधान होगा निश्चित बकाया भुगतान कराया जाएगा। हो गया, अगर नहीं यदि अगर मगर में सरकार के जवाब नहीं होता। दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।